शहीद भगत सिंह यूथ क्लब फगवाड़ा वालों देश भर में हो रहे बलात्कार के विरोध और बलात्कार के दोषियों को सख्त तो सख्त सज़ा दवाने लई फगवाड़ा विखे रोस प्रदर्शन किया गया। यह रोस प्रदर्शन वरिंदर पार्क तो शुरू होकर शहर के बंगा रोड तो हुंदा होया हरगोबिंद नगर तो बाद गोल चौंक विखे समाप्त होया। असी सरकार दे अगे मंग करते जी जिहड़े आ बलात्कार हो रहे आ इन्हां नूं सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए, कानून इदां दा कोई बनाया जाए जिहदे करके इहदा सज़ा मिले ते लोक अगे वी आ कानूनी हरकत करन तो डरन ते अगे दा। ते असी ते इस करके इकट्ठे होए आ जी, जो क्राइम वध रहे आ बलात्कार वध रहे आ वी सरकार जे सुत्ती आ उहनूं जगाउण वास्ते, ठीक है, ते गरीबां नूं ना दवाया जावे ज़्यादा ते गरीबां दे हक च खड़े सरकार, ते जो ये बलात्कार हो रहे हैं इन्हां दे खिलाफ कोई सख्त कानून बनाया जाए जो लोग डर ने इदां दी घिनौनी हरकत करन तो, ठीक है, अरबां वाला कानून इत्थे लाया जाए, मौके ते फांसी सज़ा दी जाए। सो अही अपील करते हैं सरकार नूं। तुसीं इहदे बारे की कहोगे? अज शहीद भगत सिंह यूथ क्लब फगवाड़ा च एक रोस रैली कर रहा है, और रोस रैली जिहड़ी है बलात्कारियां और जिहड़े भी आरोप न हो रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, साडी सरकारां इदां दा कानून नहीं बना रही कि असी उन्हों सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए ता कि किसी की हिम्मत ना पवे आरोप करने लई। हुण पिछे साढ़े एक साधु संत नूं जिद्दां जला दिता गया, एक मतलब यूपी की खबर आई तीन कुड़ियां तीन सगियां भैणां ते तेजाब सुट्टदा गया, ये की है कि यह सरकारां दी शह आ, सरकार आप ही ये काम करा रही है ते दोषियों नूं छड़ा रही है। असी सरकार को कानून को यह मंग करते हैं कि इदां दा कानून बनाया जाए कि और ये जिहड़ा दोष उन्हां नूं लाणा आ फास्ट ट्रैक उत्ते लाया जाए कि इन्हों सज़ा देने लई चार चार साल पाँच पाँच साल वेट नहीं करना चाहिए उसी वेले सज़ा दे। फगवाड़ा न्यूज़ तो पत्रकार गुरमुख सिंह के नाल हनी सुनेजा की खास रिपोर्ट।